विदिशा जिले के पठारी में डोल ग्यारस के पुनीत पवन पर्व पर नगर के मुख्य मार्गों से भगवान श्री कृष्ण विमानों में विराजमान होकर ऐतिहासिक प्राचीन तालाब में जल विहार करने पहुंचे, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों पर विश्राम कराकर पूजा अर्चना भी की। शनिवार को डोल एकादशी महापर्व पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की। लोगों ने दिन भर विशेष व्रत धारण कर ईश्वर की आराधना की। श्री राम जानकी राज मंदिर, श्री राधा कृष्ण पोद्दार मंदिर, श्री राम जानकी साहू मंदिर सहित चार विमानों में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुआ, जिनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो श्री राम जानकी साहू समाज मंदिर से प्रारंभ होकर भजन पूजन के बाद तालाब रोड होते हुए ऐतिहासिक प्राचीन तालाब पर पहुंची। भगवान श्री कृष्ण का ऐतिहासिक प्राचीन तालाब के गणेश घाट पर जल विहार किया गया। इसके पश्चात शिक्षक रविकांत रिछारिया के निवास पर श्री विमान जी ने रात्रि विश्राम किया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।